परीक्षा आज नहीं हुई तो कल होगी ये कोरोना महामारी आज नहीं तो कल खत्म होगी स्कूल कॉलेजेस कभी ना खुले ऐसा नहीं होगा इस समय स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है और बहुत से विद्यार्थियों में इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है इसी चीज को लेकर आज मैं आपको एक बात सुनाता हूं एक बार की बात है भगवान इंद्र किसानों से नाराज होकर एक घोषणा करते हैं कि अगले दस वर्ष बारिश नहीं होगी जब सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान बारिश करो तो भगवान इंद्र ने कहा कि जब तक आपके राज्य में रहने वाला साधु धम्रु जल शंख ना बजाएगा तब तक ये बारिश नहीं होगी और ये बात सुनकर सब लोग निराश हो गए क्योंकि उनके राज्य के साधु ने ये प्रण लिया था कि वह दस साल तक तपस्या करेगा बात सुनकर सब लोग निराश हो गए और अपने अपने घरों को चले गए इस बात का इंतजार करने लगे कि कब दस साल पूरे होंगे और हमारा जय का साधु ढमरू बजाएगा जाएगा और बारिश होगी परंतु उनमें से एक एक किसान फिर भी रोजाना अपने खेत में हल चलाता बीज बोता और जो झाड़ियां होती थी उन्हें निकालता वो निरंतर अपना अभ्यास करता रहा जे देखकर बाकी सभी किसान उस पर हंसते एक दिन एक किसान ने उससे पूछा कि आप अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ क्यों जाया कर रहे हो तो उस किसान ने जवाब दिया कि मैं निरंतर अपना अभ्यास जारी रख रक, रखना चाहता हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि समय आने पर मैं फसल लगाना ही भूल जाऊं मैं बीज बोना ही भूल जाऊं और यही बात कुछ साधु महात्मा ने की कि जब एक दो साल गुजरा तो साधु महात्मा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने डमरू बजाने का अभ्यास कर लूं तो साधु महात्मा ने धमरु बजाया शंख बजाया तो उनके धमरु शंख बजाते ही बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई पूरे राज्य में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी और दूसरी ओर जिस किसान ने रोजाना मेहनत की थी निरंतर अभ्यास किया था उसने अपने खेतों में बीज बोए और उसकी फसल लग गई दूसरी ओर दूसरे जो किसान थे उनके खेत जंगलों में बदल चुके थे उन्हें कड़ी मेहनत मुशक्क़त करके उन झाड़ियों को साफ़ किया उन उन पत्थरों को साफ किया और फिर से वो खेत बनाए जिसके लिए उन्हें बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ी और यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है कि हम इस लॉकडाउन की वजह से इस कोरोना महामारी की वजह से अपने घरों में हैं और हम बिल्कुल उम्मीद हार के बैठ चुके हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है हम अपने अपने घरों में रहकर जो भी पुस्तकें हमारे पास हैं उनको पढ़ें चाहे वो किसी भी श्रेणी की हैं और निरंतर कुछ नया सीखें पुस्तकों से सीखें अपनी किताबों से सीखें अपने बड़े बुजुर्गों से सीखें और अपना ज्ञान हमेशा बढ़ाते रहें अपना अभ्यास जारी रखें क्योंकि क्या पता कब ढमरू बज जाए और कोरोना महामारी यहाँ से हट जाए और हमें मौका मिल जाए अपनी फसल लगाने का जानी हमें मौका मिल जाए स्कूल जाने का और एग्जाम देने का क्योंकि हमेशा वही सफल होता है जो निरंतर अपना अभ्यास जारी रखता है इसलिए आपने बिल्कुल हार नहीं माननी है और अपना अभ्यास जारी रखना है क्योंकि जब एग्जाम होंगे जब परीक्षाएं होंगी तब वही विद्यार्थी अब्बल रहेंगे वही विद्यार्थी सफल रहेंगे जिन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा होगा जो अभ्यास नहीं करेंगे उन्हें तब बड़ी कठिनाई आएगी आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहें खुद अपने आप को स्वस्थ रखें अपने परिवार परिवार को स्वस्थ रखें और इसी मंगल कामना के साथ मैं धन्यवाद जय हिंद जय भारत